और अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये सब्जी देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी है। इसको चावल, रोटी, परांठा, कश्मीरी पुलाव, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में कश्मीरी पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे ऊपर से। इसको बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर है, इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। 4 टमाटर की प्यूरी है। गैस के ऊपर एक पैन में 2 कप पानी डाल देंगे। पानी में एक चुटकी हल्दी डाल देंगे और इसमें उबाला आने देंगे। गैस के ऊपर इस बर्तन में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है और ये गर्म हो चुका है। और अब इसमें ये पनीर के पीस डाल के फ्राई कर लेंगे। नीचे से ये हो चुके हैं तो इनको पलट देंगे। बस थोड़ा ही फ्राई करना है इनको। और अब इनको इसमें से निकाल के हल्दी वाले पानी में डाल देंगे जिससे ये सॉफ्ट रहेंगे। इसमें 3 चम्मच और सरसों का तेल डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच अब इस तेल में जीरे का डाल देंगे। 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 4 हरी इलायची का पाउडर, 2 काली इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इनको फ्राई करेंगे। 2 पिंच हींग। इनके फ्राई हो जाने पर टमाटर की प्यूरी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी। अब इन सब चीजों को मिक्स करते हुए पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें से तेल भी अलग हो गया है। और अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच सौंफ पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और अब इसमें हल्दी वाले पानी में जो पनीर के पीसेस डाले थे फ्राई करके, उनको निकाल के डाल देंगे। इनको मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। और अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और अब इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पनीर के पीस टूटने नहीं चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। 2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। कश्मीरी पनीर बनकर तैयार है। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।